हाय गाइस, वेलकम टू ऑल फ्लेवर्स किचन। आज हम बनाएंगे चाय का मसाला। और हर किसी को चाय पीना तो बहुत ही पसंद होता है और मसाला चाय तो सबकी फेवरेट होती है। यहाँ मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून हरी इलायची, 1 छोटा सा टुकड़ा है दालचीनी का, 1/4 टीस्पून है अजवाइन, 1/2 टीस्पून काली मिर्च साबुत, 1/2 टीस्पून लौंग, 1.5 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून जिंजर पाउडर। अब हम सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। और फ्रेंड्स, मैं इसे ड्राई रोस्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ही छोटी क्वांटिटी में बना रही हूँ। अगर आप मसाला ज़्यादा बनाकर रखना चाहते हो तो आप रेसिपी को डबल भी कर सकते हो, लेकिन आपको पहले सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करना पड़ेगा। ऐसा करने से ये मसाला ज़्यादा टाइम के लिए फ्रेश रहेगा। और मैंने दालचीनी बहुत ही कम डाली है क्योंकि मुझे दालचीनी का टेस्ट ज़्यादा पसंद नहीं है। बहुत ही माइल्ड सा मुझे फ्लेवर चाहिए था चाय में, इसलिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे बहुत ही ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाया है, दरदरा सा ही इसे मैंने पीसा है। क्योंकि जब हम चाय को स्ट्रेन करते हैं तो थोड़ा बहुत जो फाइन पाउडर होता है, मसाला होता है, वो चाय में चला जाता है, अच्छी तरह से वो स्ट्रेन नहीं होता है, तो इसलिए मैंने इसको दरदरा सा ही रखा है। तो अब मैंने इसके अंदर अदरक का पाउडर भी डाल दिया है, जिसे हम सौंठ बोलते हैं। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसको एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हो 10 से 12 दिन के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे चाय के मसाले की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। और मैं मिलूँगी आपको किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।